हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, आदि अनादि काल से देवी देवताओं की लीला स्थली रहे देवभूमि हिमाचल में जगह जगह पौराणिक क्रियाकलाप, धाम और मंदिर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश का हर एक मंदिर किसी न किसी पौराणिक घटना को प्रमाणित करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही एक मंदिर है हाटू माता मंदिर। भक्तों, हाटू माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नारकंडा हिल के हाटू पीक नामक शिखर पर स्थित है, जो समुद्र तल से करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बना है। यहां से आप हिमालय की सभी दिशाओं का दर्शन कर सकते हैं। ये नारकंडा से 6 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही इस जगह पर आप स्कीइंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहां जंगली चीड़ और देवदार के पेड़ों के अलावा लेवेंडर के सफेद फूल भी देखने को मिलते हैं, इसलिए नारकंडा पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। नारकंडा की सड़कों पर आपको चेरी, सेब और देवदार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ठानेधार नामक स्थान सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों, हाटू माता के इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था, क्योंकि रानी मंदोदरी हाटू माता की परम भक्त थीं। लंका से अत्यधिक दूर होने के बावजूद वो अक्सर यहाँ हाटू माता के दर्शन और पूजन करने के लिए आया करती थी और कई कई दिनों तक हाटू माता की आराधना में लीन रहा करती थी। भक्तों, हाटू माता मंदिर की वास्तुकला व मंदिर का निर्माण विशिष्ट हिमाचली वास्तुकला में किया गया है। यही वजह है कि दूर दूर से यात्री और पर्यटक इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। भक्तों, हाटू माता का ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नारकंडा के सबसे ऊंचे शिखर हाटू पीक पर बना है। मंदिर से चारों ओर बर्फ से ढकी गहरी घाटियों की अद्भुत प्राकृतिक छटा देखने को मिलती है। नारकंडा हिल का प्राकृतिक सौंदर्य हाटू माता मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ आने वाले हाटू माता के भक्त तथा पर्यटक हिमालय के 360 डिग्री के मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य के मनमोहक दृश्यों का भरपूर आनंद लेते हैं। भक्तों, हाटू माता का ये मंदिर आदिशक्ति जगत जननी महाकाली को समर्पित है, क्योंकि हाटू माता महाकाली का ही रूप है। माता हाटू को नारकंडा क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी तथा यहाँ के नारकंड जनजातियों की कुल देवी माना जाता है। मेरा नाम ललित शर्मा है, मैं कोटखाई कलबोक से हूँ, पुजली गांव से हूँ। तो मुझे यहाँ पे 14 साल हो चुके हैं। तो जो यह मंदिर है, ये काली माँ का मंदिर है, पांडव द्वारा स्थापित हुआ मंदिर है। कहा जाता है कि जब पांडव का ज्ञातवास हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे पांडव आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी, तो स्थापना उस टाइम की है। तो जो ये मंदिर है, मंदिर अभी नया बना है, इसको बन के अभी 9 साल हुए है। तो यहाँ पे जो ये सामने रेस्ट हाउस बना हुआ है, इसके बैक साइड में पांडव के चूल्हे बने हुए हैं, जिसपे पांडव अपना खाना वगैरह पकाते थे। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है जी। भक्तों, हाटू माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान हाटू माता मंदिर में काफी समय बिताया था। पांडवों ने यहाँ पर माता की कठिन तपस्या और उपासना कर शत्रुओं पर विजय पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए माता हाटू का एक नाम भीमा काली भी प्रसिद्ध है। उस समय की प्राचीन शिला आज भी हाटू पीक पर साक्ष के रूप में मौजूद है। भक्तों, हाटू माता मंदिर में हर साल ज्येष्ठ महीने के पहले रविवार को मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन के साथ हाटू माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुंदर वस्त्रों, आभूषणों और पुष्पों से सुसज्जित हाटू माता की मूर्ति अत्यधिक मनोहर लगती है। स्थापना दिवस पर हाटू माता का श्रृंगार दिव्य और दर्शनीय होता है। बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण हाटू माता के मंदिर पहुंचते हैं
और माँ का दर्शन पूजन करते हैं एवं अपने मनोरथ सिद्धि हेतु हाटू माता से प्रार्थना करते हैं। स्थापना दिवस पर इस मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों मान्यता है कि स्थापना दिवस के अवसर पर जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति से हाटू माता के दरबार में पहुंचता है और हाटू माता की पूजा अर्चना करता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। दुख दर्द और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। संभवतः इसलिए आज भी देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की हाटू माता के प्रति गहरी आस्था है। भक्तों कहा जाता है कि हाटू माता मंदिर से स्थानीय राजाओं और रजवाड़ों का न केवल पुश्तैनी संबंध रहा है बल्कि राजाओं के पुरखों और पूर्वजों का समय समय पर आवागमन भी होता रहा है। भक्तों वैसे तो हाटू माता मंदिर में हमेशा ही भक्तों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है लेकिन आश्विन और चैत्र नवरात्रि पर यहाँ भक्तों की अपार भीड़ होती है। इस अवसर पर 9 दिनों तक माता के लिए विशेष पूजा अर्चना हवन और अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन में भक्तों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। दूर दराज से भक्त यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी अवश्य होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को धन्यवाद देने भी आते हैं और धन्यवाद स्वरूप माता की विशेष पूजा आराधना करते हैं। बंधुओं, शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है जो अपने पर्यटकों की हर जरूरत का ख्याल रखता है। नमस्कार, मेरा नाम मुदिता जैन, पंजाब से, सुल्तानपुर लोधी से। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। इस चारों तरफ के व्यू को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुदरत यहाँ से बहुत करीब दिखती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरा नाम है राकेश जैन, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ और हाथू पीक हमें अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ का व्यू शानदार है और हाथू पीक माता के मंदिर में बहुत ही शानदार मंदिर है। ये बहुत बढ़िया कार्विंग है तो इसको हम दोबारा आए देखने के लिए सबके साथ में, पूरे परिवार के साथ में, और एक्सलेंट लोकेशन है ये। बंधुओं, अगर आप हाटू माता मंदिर दर्शन के साथ साथ छुट्टी मनाने हेतु भी कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहाँ की हरियाली का आनंद भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना है तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप शिमला के हाटू माता मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का भी शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नग्गर, जगत सुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रूमसू आदि के पर्यटन का आनंद भी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित हाटू माता मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हाटू माता मंदिर शिमला का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। शिमला से नारकंडा स्थित हाटू माता की दूरी 65 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप हाटू माता मंदिर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में शिमला हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से हाटू माता मंदिर की दूरी 82 किलोमीटर है। आप हवाई अड्डे से मंदिर की यात्रा टैक्सी या राज्य परिवहन की बसों द्वारा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से हाटू माता मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि शिमला इस मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप हाटू मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते तो आप शिमला की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी हाटू माता मंदिर पहुंचकर
हाटू माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।